सो गाइस फायरबोल्ट की स्नैप 4G आने वाली है, तो ओरेकल किस किस के पास है मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ओरेकल भी काफ़ी ठीक वॉच थी बट ड्रीम से अच्छी नहीं थी। ड्रीम में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ अलग ही था और प्रैक्टिकल यूजेस में ड्रीम मेरे को ठीक लगी एज कम्पेयर टू ओरेकल। बट ओरेकल जिस जिसके पास है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पे भी ये नैनो सिम वाली वॉच मिलती है बट इसका कंपैरिजन आज हम करने वाले हैं स्नैप 4G के साथ ही है। स्नैप 4G मेरे पास आ चुकी है, इसका मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, यहाँ पे आपको बहुत जल्दी रिव्यू मिलने वाला है। बट फिलहाल इन दोनों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं और देखने वाले हैं यहाँ पे दोनों में से बेटर कौन सी वॉच मिलती है आपको। एंड गाइस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में हमारे टेक टॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील लाते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को आप सभी के लिए बिना किसी देरी के, है ना। सो गाइस यहाँ पे फायरबोल्ट की ओरेकल और फायरबोल्ट की स्नैप 4G का कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं। एंड जो प्राइस है ओरेकल का फ्लक्चुएट होता रहता है। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट पे 500 रुपये जो कि बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्यों बढ़ गया। अब फ्लिपकार्ट यहाँ पे प्राइस चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू मार्केट, एंड जब अमेजोन पे प्राइस कम होता है तो फ्लिपकार्ट भी कम कर लेता है, तो ये स्ट्रेटेजी रहती है इनकी। प्राइस कम होगा नो डाउट इन फ्यूचर। जो लीस्ट प्राइस गया था ओरेकल का वो आपका करीब करीब 3700 तक गया हुआ था इसका लीस्ट प्राइस। तो अगर आप इसको क्रोमा स्टोर से बाय करेंगे तो अभी भी आपको ये 3500 तक के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगी, 3500 से 4000 के बीच में, ठीक है। बट फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा प्राइस है। फायरबोल्ट की स्नैप 4G यस ये आने वाली है आपको 25 तारीख को, मतलब कल से इसकी जो प्री ऑर्डर डील है वो देखने को मिल जाएगी। 100 लकी कस्टमर्स को 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद जो बाय करता है उसको वही मतलब 5500 रुपये की पड़ने वाली है। वैसे 5000 रुपये के अंडर मिलेगी आपको 499 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। फायरबोल्ट स्नैप 4G का मैंने ड्रीम के साथ कंपैरिजन कर दिया, जाके आप चेक कर सकते हो। मेरे पास वॉच आ चुकी है, मैं प्रॉपर टेस्टिंग कर रहा हूँ, आप सभी को बहुत ही कमाल का रिव्यू देने वाला हूँ और कंपैरिजन भी इन फ्यूचर आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून रहेगा। तो चलिए अब फिलहाल हम इन दोनों वॉचेस का कंपेयर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे दोनों में से बेटर कौन सी वॉच मिलती है आपको। तो डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले में यहाँ पे कहीं ना कहीं ओरेकल की डिस्प्ले स्लाइटली छोटी मिलती है आपको स्नैप 4G से, और ओरेकल आपकी वैसे भी लार्ज डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, थिन या स्किनी डिस्प्ले नहीं चल पाएगी, मीडियम पे भी चल सकती है। स्नैप 4G भी मीडियम पे चल जाएगी बट ये कि 6.5 इंच से नीचे का रिस्ट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा मेजर जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है स्नैप 4G, वो भी सिमेट्रिकल है। ऐसा नहीं है कि नीचे की साइड चिन बड़ी कर दी ऊपर से छोटा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा किया है। ओरेकल में भी आपको मिल जाता है चार तरफ से सिमेट्रिकल टाइप का, बट ये कि इसमें ब्लैक बॉर्डर ज़्यादा मिलेंगे देखने के लिए एज कम्पेयर टू स्नैप 4G। उसके साथ साथ ओरेकल में आपको IPS पैनल मिलता है, ये कोई एमोलेड पैनल नहीं है, 60Hz का UI मिलता है, ये अच्छी बात है। 320 pixels का रिजोल्यूशन भी है, तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। बट यहाँ पे स्नैप 4G की सुपर डिस्प्ले क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे एमोलेड पैनल है, डीपर ब्लैक्स, पंच कलर देखने को मिलते हैं, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन तो मेरे को मिला नहीं एक्चुअली कहीं, बट थर्ड पार्टी वॉच फेसेस से आप चेक कर पाओगे, थर्ड पार्टी लॉन्चर से आप लगा पाओगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ओरेकल में नहीं मिलता रेस्ट वेक भी नहीं मिलता, ना ही AOD मिलता है, ये MS Print हो गया है, तो इसको आप मत मानिएगा। ओरेकल में कोई भी अपडेट नहीं आया फिलहाल, आपको बटन से ही ऑन करना पड़ता है ऑलवेज ऑन, मतलब रेस्ट वेक इसका मतलब जो नोटिफिकेशन आपको देखने हैं। तो फ्लैट ग्लास मिलता है ओरेकल में आपको स्नैप 4G में, कर्व्ड ग्लास डिज़ाइन मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे शार्पनेस की बात मैं करूँ तो स्नैप 4G बहुत आगे निकल जाती है ओरेकल से, और साथ ही में यहाँ पे 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दोनों में देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा ही सकते हो स्नैप 4G में एक बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड है वो है डिस्प्ले का, जो कि ओरेकल ड्रीम में है ही नहीं एमोलेड डिस्प्ले। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की, क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपने पिक को एज अ वॉच फेस लगा पाओगे, थर्ड पार्टी लॉन्चर को इंस्टॉल कर पाओगे, क्योंकि प्रॉपर ये एक रिस्ट फोन बन जाता है, एक एंड्रॉइड फोन बन जाता है आपके हाथों में। फिटनेस मोड्स की बात करते हैं, यहाँ पे फिटनेस मोड्स पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, बट यहाँ पे स्नैप 4G में स्लाइटली बेटर आपको एक्यूरेसी मिलती है। पीछे की साइड सेंसर आपको काफी अच्छे लगाए गए हैं, रेड एंड ग्रीन एक्शन के सेंसर डेडिकेटेड मिल जाते हैं, जो कि ओड एयर ओड टू द सर्फेस यहाँ पे काम नहीं करते, बट ओरेकल में आपका सर्फेस पे कभी कभार बताया था। तो ओरेकल में एक्यूरेसी डेफिनेटली स्नैप 4G से काफी डाउन मिलने वाली है। और मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड की बात हम करें तो यहाँ पे आप थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, उसके थ्रू आप गूगल फिट इंस्टॉल कर सकते हो प्रॉपर वॉच में, तो प्रॉपर वो काम करेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। दोनों ही वॉचेस में ऐसा ऑप्शन मिल जाता है, बट एक्यूरेसी किसकी बेटर है, तो एक्यूरेसी यहाँ पे स्लाइटली बेटर है स्नैप 4G की। IP67 रेटेड है, क्यों मैं रीजन देता हूँ, यहाँ पे सिम का ऑप्शन मिलता है, सिम डालोगे तो पानी वहाँ से जा सकता है, बट ये है कि ओरेकल या स्नैप 4G दोनों में ही एक रबर रिंग गैस्केट प्रोवाइड किया गया है सिम स्लॉट की साइड से, और स्नैप 4G में ज़्यादा मतलब कह सकते हो फ्लश्ड वो बटन है, जिसकी वजह से अंदर को पानी जाना मुश्किल है। तो स्नैप 4G इस चीज़ में वाटर रेटिंग थोड़ी सी बेटर है ओरेकल से। ओरेकल में क्या है कि ईजिली पानी जा सकता है, क्योंकि उसका जो बटन है उधर की साइड से मतलब जहाँ से सिम डलता है वो थोड़ा सा मेरे को लूज लगा, मतलब पानी जा सकता है अंदर, बट स्नैप 4G का एकदम रगेड फिट है, मतलब निकलता नहीं है, नाखून से निकलता ही नहीं है उसका, वो उसको कहीं ना कहीं गिटार की पिक से निकालना पड़ता है, तो ये है। आगे बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं, स्नैप 4G में बेटर है एज कम्पेयर टू ओरेकल। एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्टेड सेंसर और 4G नैनो सिम,
और मोबाइल असिस्टेंट मिल जाता है ओरेकल में आपको, जो कि नोटिफिकेशन अलाउ करता है। एंड स्नैप 4G में एक सेकंड मेजर अपग्रेड है, वो है कैमरा का। यस, यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। अब ये कि अल्ट्रा एचडी फोटो नहीं खींचता है, एवरेज कैमरा है, बट ये कि काम चला देगा आपका, फेस अनलॉक काम में कर लेगा, इसका फेस अनलॉक में काम करेगा ये। दूसरा, यहाँ पे वीडियो चैट में काम कर लेगा आराम से। पिक्स विक्स खींचोगे तो उतनी ज़्यादा ब्राइट या वाइब्रेंट नहीं आती, बट ये कि एवरेज पिक आ जाती है। और क्यू आर कोड को स्कैन स्कैन करना, पेमेंट करना किसी को, तो ये इसमें काफ़ी शानदार काम करता है स्नैप 4G का जो कैमरा है। उसी के साथ साथ बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, नैनो सिम दोनों मिल जाती है। ई सिम का सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, जैसा बोला गया था स्नैप 4G में क्लोनिंग टेक्नोलॉजी कुछ होगी, तो ऐसा ऑप्शन नहीं मिला मेरे को। तो कहीं ना कहीं स्नैप 4G में आपको नैनो सिम का ही सपोर्ट मिलता है। और उसी के साथ साथ कॉल आईडी, कॉल कट, म्यूट, ये सब चीज़ देखने को मिल जाएंगी। प्रॉपर एक रिस्ट फोन है तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। फुल टच पैनल है, स्मूथ है यहाँ पे। 60Hz का UI मेरे को लगता है स्नैप 4G में है, बट बोला नहीं गया कंपनी तरफ से, बट काफ़ी स्मूथ है। उसी के साथ साथ अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कानो टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ तो देखने को मिली जाती है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो ओरेकल में आपको 5.0 है, वाईफाई, GPS है। स्नैप 4G में भी आपको GPS और ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी बेटर हो जाती है इसकी, थ्रू द बर्ड्स ओनली। यस, बर्ड्स या कोई भी आपको थर्ड पार्टी उसको, जिसकी कार ऑडियो को भी वहाँ पे सिंक्रोनाइज करना है, तो कार एप्पल कार प्ले तो नहीं चलेगा, बट प्ले स्टोर से कुछ एप्लीकेशन क्लोनिंग वाली डाउनलोड करके आप कर सकते हो ये ऑप्शन। एंड्रॉयड रिस्ट फोन बन जाता है, दोनों ही iOS एंड्रॉयड डिवाइस से पेयर का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। ओरेकल में मोबाइल असिस्टेंट है, पर वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं करता। आगे बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं स्नैप 4G बहुत आगे है। 64 का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, बट इसका प्राइस कहीं ना कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओरेकल। ओरेकल में तो 216 ही वेरिएंट आता है, 64 का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो स्नैप 4G 64 वाली और ज़्यादा फास्ट चलेगी। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, 4x कस्टम मेन्यू स्टाइल देखने को मिलता है, जिसको आप चेंज कर सकते हो। उसी के साथ साथ डबल बटन कंट्रोल दोनों में देखने को मिल जाता है। ओरेकल एप्पल वॉच सीरीज एडिटर की कॉपी लगती है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें रोटेटिंग बेजल, रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है, जो कि एक ईज ऑफ एक्सेस बेटर देता है, है ना। टक टक की आवाज़ भी नहीं आती, जो कि काफ़ी अच्छा है, साइलेंट ऑपरेशन है। स्नैप 4G में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक रगेड स्पोर्टी फील देती है आपको, और डबल बटन कंट्रोल इसमें भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो ओरेकल बहुत आगे है स्नैप 4G से, मतलब स्नैप 4G बहुत आगे ओरेकल से। 1000 mAh बैटरी कैपेसिटी है, 300 mAh एक्स्ट्रा है। 300 mAh का मतलब समझते हो, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे एक्स्ट्रा चलेगी ओरेकल से। यस, स्टैंड बाय पे स्नैप 4G बहुत तगड़ा चलेगी डेफिनेटली। यहाँ पे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो लगातार मैंने यूज़ किया, अराउंड मेरे को जो रन टाइम मिला 4 घंटे तक का मिला, YouTube पे वीडियो लगातार स्क्रॉल करते टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा है। और फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच में अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे चलता था, और ओरेकल में तो भूल जाओ 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम चलता है अगर आप वीडियो देख रहे हो लगातार। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्नैप 4G चार्ज होने में बहुत टाइम लेती है, बहुत ज़्यादा। इसका एक तो चार्जर अलग है कहीं ना कहीं, ड्रीम ओरेकल का तो सेम था टाइप का, बट इसका थोड़ा सा अलग है, एक अलग से क्रेडल मिल जाता है, उसको रखना पड़ता है आपको। मैग्नेटिक चार्जिंग है, बट ये कि क्रेडल टाइप का है स्नैप 4G के लिए। और स्नैप 4G में 40 घंटे का क्लेम किया गया रन टाइम, ओरेकल में 36 घंटे का। बट ओरेकल में तो पैसे भी बैटरी इशू था ही पहले से ही, बट उस हिसाब से स्नैप 4G बहुत आगे है। मैग्नेटिक चार्जिंग सपोर्ट दोनों में देखने को मिलता है। एक्चुअल यूज़ की बात में करूँ तो सारे सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके आपका 30 घंटे तक ओरेकल में बोला गया था, बट एक्चुअल जो मिलता है 20 घंटे तक ही मिलता है आपको। स्नैप 4G में आपको 35 घंटे मिल जाएगा, जितना मैं यूज़ कर रहा हूँ उतना उस तरीके से लग रहा है। और सारे सारे नोटिफिकेशन ऑन करके सब कुछ A to Z आपने ऑन कर रखा है, तो 7-8 घंटे चलती है ओरेकल। और स्नैप 4G आराम से 15+ घंटे का दे देगी, 16-17 घंटे चल जाएगी आपके आराम से। मेन फीचर्स पे आते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SPT मॉनिटर है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, और ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है दोनों में ही। उसी के साथ साथ यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। स्नैप 4G मेरे को लगा था पॉलीकार्बन बिल्ड के साथ होगी, बट बिल्ड क्वालिटी इसकी मेटल है, पूरी मेटल है, बेस इसका पॉलीकार्बोनेट है बस। बहुत कमाल का बिल्ड है, हैवी भी है वॉच, मतलब हाथ पे कभी कभार थोड़ा सा हैवी लगने लगती है, इसको उतार के रखना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा हैवी है। तो जो लोग मतलब लाइट वेट वॉच पहनते हैं तो उनको इशू होने वाला है स्नैप 4G पहनते टाइम, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए आप पहन के नहीं रख सकते, सोते टाइम अनकंफर्टेबल है बेसिकली, मैं क्लियर बता दूँ आप सभी को, क्योंकि बड़ी वॉच है और डायल साइज बड़ा है और हैवी भी है, कैमरा वैमरा है, कंपोनेंट है, और साथ में मेटल का आपको डायल ऊपर से दे दिया कंपनी ने, तो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। ओरेकल उतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, बट ये है कि ये भी एल्युमिनियम बॉडी है तो हैवी है ये भी, बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना स्नैप 4G है। यहाँ पे अगर ओरेकल, अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँ वेट के मामले में, पहले तो मेरे को लगा पॉलीकार्बोनेट है, उस हिसाब से मैंने वेट यहाँ पे मेंशन किया था। अब यहाँ पे स्नैप 4G लग रही है 85 to 90 ग्राम तक की हो सकती है। मैं एक डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जब रिव्यू करूँगा ना स्नैप 4G का, तो उसको मेजर करके आपके सामने मेजरिंग टूल से एक वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसमें चेक कर लेना। और यहाँ पे स्ट्रैप साइज़ की बात करूँ, कल 42 से लेकर 45 mm तक का एप्पल टाइप का स्ट्रैप लग जाता है, स्ट्रैप लॉकेबल है, लॉक हो जाता है, लॉक मैकेनिज्म है, स्ट्रैप निकलता नहीं है, अच्छा है। स्नैप 4G में 22 mm यूनिवर्सल है, तो 22 mm का कोई सा भी मार्केट वाला आप लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं एक हिदायत देना चाहूँगा आप सभी को, अगर आप चेन वाला स्ट्रैप बाय करते हो 500 रुपये बढ़ जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप मार्केट से बाद में बाय कर लेना, वैसे सिलिकॉन वाला स्ट्रैप ले लो, कम प्राइस मिल जाएगी आपको वॉच,
तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से सेंस बनाएगा, क्योंकि 500 रुपये देके क्या फ़ायदा आप एक्स्ट्रा, फिर आपको स्ट्रैप मिल रहा है ना। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच रैल, एलमोनियम है बेस पॉलीकार्बोनेट में ज़्यादा है, दोनों में ही आपको यही सीन है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। देखो स्नैप 4G का जो आपका सिलिकन वाला है वेरिएंट, वो आपको 5000 रुपये मिलेगा, और ये है कल प्री बुकिंग पे अगर आप करते हो, 4/64 वाला प्री बुक करते हो तो 6000 रुपये मिल जाएगा। बट आप अगर कल प्री बुकिंग नहीं करते हो, 27 तारीख को बाय करते हो, तो आपको वही स्नैप 4G का 216 वाला वेरिएंट मिलेगा 5500 रुपीज़ का, और वो जो आपका 4/64 वाला रहेगा वो 6500 रुपीज़ का मिलेगा। और उसी में ही एक और टॉप का वेरिएंट और है, चेन वाला स्ट्रैप अगर बाय करोगे 7000 रुपये तक का चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगा। बट अगर आपको 5000 के अंडर बाय करना है तो आप कल ही यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, 25 तारीख को इसकी प्री सेल स्टार्ट है, ठीक है। फायरबोल्ट ओरेकल का जो प्राइस है वो ज़्यादा हो चुका है, 4000 रुपये से नीचे हो तभी आप बाय करना, अभी तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। और फायरबोल्ट ओरेकल बहुत पुरानी हो चुकी है वॉच, इससे तो बेटर ड्रीम वॉच है, ड्रीम से बेटर आपकी स्नैप 4G बन जाती है। तो गाइस तीनों में ऑल एंड ऑल सबसे ज़्यादा बेटर आपको स्नैप 4G देखने को मिलती है, तो यहाँ पे विनर कौन सी है, स्नैप 4G। तो गाइस ये एक सिंपल सा कंपैरिजन, अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय।